हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये रहा ईद व्लॉग पार्ट टू। मिल आरिफ, कैसा है भाई? अरे क्या बात है, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो भाई। अंकल उसका फेस चेहरा दिख नहीं रहा है, अंकल थोड़ा देखिए। हाँ अभी ठीक है। अरे तो अभी ठीक लग रहा है तुझे? थोड़ा ठीक लग रहा है तुझे? क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हाँ भाभी दीपी। हाँ अरे पूछ रहे भाभी कैसे। अरे ईद मुबारक। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ईद मुबारक बेटा। चलो अभी जल्दी जल्दी आना है घर। अरे पतला हो गया अभी यार वो। चल अभी अभी ज्यादा बात स्ट्रेट मत दे, ज्यादा बात मत कर। सब अच्छे बेटा, सब अच्छे हैं। तू ठीक है ना? सब अच्छे बेटा, सब अच्छे हैं। तू ठीक है? अभी तुझे ठीक लग रहा है? बेटर फील हो रहा है? बस फिर खत्म, सब अच्छे हैं। यहाँ की टेंशन मत ले, सब ठीक है। तुझे बस जल्दी घर आना है। चल अभी इसको ज्यादा बात मत करवाओ, थोड़ा सा अभी आराम करो, फिर इंशाल्लाह कल फिर फोन करेंगे इस टाइम पे। बस हिम्मत मत हारना, अच्छे से खुश रहना बेटा भी। हाँ कुछ सोचना मत, ठीक है? कुछ भी मत सोचना, सब अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऑल ओके। बस खुश रहे और जल्दी से घर वापस आ जा, पक्का, वरना पिटेगा मेरे हाथों। चमड़ी मसलूंगा मैं, चमड़ी याद रखना। चल बेटा ध्यान रख, ठीक है? चल ईद मुबारक भाई। ये है ईदी लक, तो नई तरीके से हम बच्चों को ईदी देंगे। अच्छा ठीक है, तो अभी करते हैं। गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है ईद व्लॉग पार्ट टू। बेसिकली सब यहाँ पे हैं और ये है मेरा आज का अटायर जो मैं अभी रेडी हो गया हूँ। इस बार मैंने थोड़ा सिंपल सा लिया है कहने को, वरना थोड़ा सा ग्रैंड लग रहा है। और ये डिज़ाइन किया है अनु ने। अनु थैंक यू सो मच। बस अभी है रेहान, ये रेहान भी हो, रेहान भी जो है मस्त हीरो लग रहा है, बिल्कुल भाई की तरह। क्यों जी, बराबर से आ गया, बिल्कुल स्मार्ट लग रहा है। तो चलो अभी सब आएंगे, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ लोग आएंगे, घर वाले आएंगे, फोटोग्राफ क्लिक करेंगे। ये जो मैं आपसे बोल रहा था कि ईदी लक बोर्ड, ये थोड़ा सा हम एक गेम खेलेंगे बच्चों के साथ में कि इसको क्या कितनी ईदी मिलती है के हिसाब से, तो वो उसकी बस तैयारी है। ये देखो तस्वीर कैसे घूम रहा है। सारा चल रहा है, कोई बड़ा मिशन प्लान कर रहे हैं हम।
तब सही। यार देखो कुछ भी घर में आए ना आए लेकिन अचारी मटन तुम्हारे हाथ का बनता है इतना यार क्या बात है माशाल्लाह अच्छी लग रही बहुत रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन हाँ वो रेड का वो है माशाल्लाह हल्का है बस मुझे ये सुकून है हल्का आज सब की तबीयत दो तीन दिन से ठीक नहीं है अभी चेहरा भी उतरा हुआ है चीज है कोई नहीं अब तुम आराम करो यहाँ बैठोगे या बैठ पे पापा में बैठोगे अभी वहाँ अम्मी इसे मिली ना आप तस्मे से तुषार का बेटा है बहुत प्यारा है क्या नाम है तुम्हारा क्या नाम है ईद तो बोलो ईद बोलो हल्का है चुप हो गया एकदम से क्या कर रहा था पहले मुझे भी करके बताओ क्या कर रहा कुछ नहीं यहाँ घूम रहा है पुष्पा वाला डाले पूछो इससे पूछो बता दो चलो चल एक और बार चलो नहीं उचित क्या है निकू 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 उचित क्या है बेटा वो तुम्हें खेलना है एक लगा दे वो खेलना है ना एक बलून लगाओ फिर तुम हो इसमें नहीं हाँ तुम हो इसमें खेलोगे तुम भी खेलोगे ये लोग सोच रहे होंगे कि हमारे लिए भी कुछ रखना था अपने लोग सोच रहे होंगे इसमें होगे साथ हाँ अभी देखो गेम का पॉइंट ये है कि सात लोग हैं ठीक है पांच बच्चे छह तस्मे सात तस्मे कहाँ गया अरे तुषार देख सात बलून है सात चीट है एक ये सात बच्चे हैं तस्मे ये सात चीटे ठीक है इसको मैं फेंकूंगा आप ऐसे करके आप लोग एक एक चीट उठा लोगे उसमें आपको नंबर सीरियल वाइज मतलब सपोज टू किसी के हाथ में अगर नंबर वन आया तो वो सबसे पहले फोड़ेगा ऐसे तो कोई भी किस्मत की बात है बलून और बलून के अंदर आपकी किस्मत ईदी है ठीक है सपा का वॉलंटियर मैं बन जाऊंगा सबका चलो तो एक एक आ जाए बेटा तस्मे यहाँ पे आओ सभा का वॉलंटियर मैं उठा लूंगा ठीक है तुमने चलो ये किसका अरे जगह बच्चा ठीक है
ठीक है अभी खोलो, अभी खोलो, चार नंबर मेरे हाथ में आया, वन कौन है, वन कौन है, तो नंबर वन, अरे कोई पिन है क्या, नंबर वन है वो है तस्मय। अब सबसे पहले तस्मय बलून फोड़ेगा, उसकी जो मर्जी आएगी वो फोड़ेगा, और जो उसके अंदर होगा उसकी यदि होगी, ठीक है। इनमें से कोई एक बता कौन सा फोड़ना है, एक हाँ रुक जाओ वो फोड़ना, रुके रुके रुके, कौन सा फोड़ना है, ये वाला फोड़ दो, भोंक दो, फोड़ दो आराम से, भोंको, हाँ क्या चिट गिरा दिखाओ इसमें, हाँ दिखाओ, बस 50 rupees। अभी सेकंड नंबर कौन है, सेकंड नंबर अभी रुको रुको, आजा बेटा इतना तस्मय इतना बेटा, चलो अभी सेकंड नंबर रिजा है, अभी तुम देख लो ये वाला, हाँ फोड़ो फोड़ो फोड़ो, उठाने को देखो, पांच हजार 500 रिजा पांच पकड़ो अपनी पास, आओ सारा उठा तो डांस से बात करना, 5000 तो भाई सारा कितना, 5 अब तो नंबर मेरा लाओ, तो अभी मुझे जल्दी नहीं पता किसने कौन सा है, मुझे नहीं पता, शाम किसके बदले खोल रहा है, शाम वो नीचे वाला, उठा सब को तो खोलने को, आप खोलिए, अभी उसके बाद जाओ 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 करो, पांच किसका है, हाँ बोलो बड़ा चाकू देना, पांच रुपया कितना बोलो, 20 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
डांस महर बची है। अच्छा महर का 7 नंबर है। खुश होना चाहिए तुझे सोलो उठाओ सोलो सोलो एक रुपये डर लग रहा है 100 रुपए बहुत चालाकी करी है। चुपचाप नीचे लेगा कितनी
दानिश भाई कैसे हो? ईद मुबारक। कैसे हो भाई? ठीक हूँ। कितना का? 10 रुपए। ये लो 10 रुपए। ये लो 10 रुपए। 20 रुपए। हेलो, कम। अरे ये तो रही गई। 100 किसका था? रेहान 100 रुपीज। और ये किसका? 500। और ये तो 500 मिल गया। सबको ईदी मिल गई, खुश रहो। कौन रोया? मैं लिटरली नहीं रोया। जा रहा तुम? ठीक है, हमारा दिल इतना वो नहीं है। रेहान कहाँ है? ले भाई ये ले। एक्चुअली दी मेहर। फिर नीचे जाने के बाद जब बतिया नहीं थी, सब उसको हिस्सा लगा।
बच्चों को बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन उन्होंने सोच के रखा था कि वो बाद में कर देंगे। सब बच्चों को, हमने सब बच्चों को बुला के समझाया कि जिसके ज्यादा निकले बांट के सबको दे। तो अब हम हुए हैं फ्री और अब हम बैठ के खा रहे हैं खाना। इसका तो सैटरडे था तो ये 12 बजे के बाद खा रहा है। ये नॉन वेज खा ही नहीं रहा है, कुछ नहीं पता नहीं क्यों। और अंकित खा चुका लेकिन थोड़ा फिर से खा लिया। सेकंड टाइम खाएगा। अब मैं खाऊंगा अचारी मटन। कल रात को सोए, फिर उसके बाद अभी आज मैं उठाऊँ 2 बजे। ऐसा अजीब सा लग रहा है कि कल ईद के दिन पता नहीं चलता, रमज़ान ख़त्म हो गया, लेकिन आज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो बस यहाँ बैठे हैं, अभी हम सब बैठ के बातें कर रहे हैं। ये अम्मा यहाँ बैठी हैं। अम्मा अरे पर्दा दे। अम्मा सब ठीक? तो बस मुझे इस वीडियो का एंड लेना था, तो लेते हैं इस वीडियो का एंड। हो गया रमज़ान ख़त्म अम्मी, हो गया सब ख़त्म। अब फिर से वही नॉर्मल रूटीन जो होता है वो है कि नहीं। एक्चुअली नॉर्मल रूटीन रमजान वाला होना चाहिए। ये नॉर्मल होता है। तो बस आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक फिर से हम सब की तरफ से। और रमज़ान के ब्लॉग्स, जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि रमज़ान के ब्लॉग्स आप सबको हमारे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद आते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस और सबा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है कुछ वक्त से, अभी क्या है कैसा है तो इंशाल्लाह आपको आगे बताएंगे। अरे आप लोग मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग बोलते हो कि इग्नोर करो, बोलो मत चीज़ें, लेकिन कभी कभी आप लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाते हो। कौन किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, कौन किस चीज़ से गुजर रहा है, आप सबको कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपने मुंह उठाया और बस बोल दिया कि ऐसा ऐसा हो रही है, सबा वैसा हो रही है, सबा ये हो रहा है, सबा वो हो रहा है, पता नहीं। स्पेशली जब हमेशा बोलता हूँ, स्पेशली औरतें बहुत ज़्यादा, और कहते हैं आप सबको पता है, कहते हैं कि जब तक आप किसी के बारे में कुछ जानते नहीं हो, उनके बारे में कोई जजमेंट मत पास करो, कोई कमेंट मत पास करो, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अभी आप सोचो आप लोगों को कितना गुनाह पड़ेगा, जो भी सब ये बोलती हैं ना चीज़ें, आपको सोचो कि आपको कितना गुनाह पड़ेगा। और अल्लाह पाक आपको किस, अल्लाह पाक बस आपको ऐसी तकलीफ ना दे जिस तकलीफ से कभी कभी भी कोई इंसान गुजरता है और आप उसको सीधे मुँह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। बट ठीक है, कोई नहीं, सब इंशाल्लाह अच्छा होगा। और क्या चीज़ें हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो हम आपको इंशाल्लाह सभी आपको बताएगी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, ठीक है? नहीं सभी आपको बताएगी। तो बस थोड़ा सा इंसानियत तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा सा अल्लाह का खौफ खा लो। हाँ मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग को लगे कि मैं बदतमीज़ हो गया हूँ, मैं घमंड हो गया हूँ, तो हाँ ठीक है, वही सही है। लेकिन भाई अगर आप बिना सोचे समझे किसी को भी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी बोलोगे तो बोलेगा ना, और क्यों नहीं बोलेगा। कभी मेरी माँ के बारे में, कोई बहन के बारे में, कोई दीदी के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं तो बोलूँगा। किसी को अच्छा लगता है तो लगे, नहीं लगता है तो नहीं लगे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, इतना किसी के जाने कौन किस तकलीफ से गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है, आप कुछ भी बोल जाते हो बिना ये सोचे समझे कि सामने वाले को क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ठीक है, चलो उसके बाद टेंशन मत लो, हिम्मत रखो। तो बस बहुत कम लोग ऐसे हैं तुम्हारे साथ, बहुत चाहने वाले हैं बेटा, तुम कल सोचे मत, 4 जलने वाले हैं तो 100 तुम्हारे चाहने वाले हैं बेटा, फिर से तुम्हें दुआ करते हैं। तो ये क्या होता है ना कि यार जब इंसान किसी चीज़ से लाइक कोई बीमारी से या किसी चीज़ से कोई तकलीफ से गुजरता होता है ना, तो इंसान को वो चीज़ हिट कर जाती है। आप ऐसे दिन रात कुछ भी बोलते रहते हो कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इंसान किसी चीज़ से गुजर रहा हो और उस पर जब लोग ऐसी चीज़ें बोलना शुरू करते हैं, थोड़ा सा वो कोई भी हो, किसी को भी हो, वो हिट करता है। हम भी इंसान हैं, कोई वो नहीं है, कोई नहीं, हम लोग तो है ना साथ में, उसको जो सोचना है वो सोचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला जैसे जिसको हिदायत देगा इंसान वही तो करेगा, वही करेगा, किसी को अच्छा देता है किसी को बुरा देता है, बस। तो बस हो सके तो माफ़ी मांग रहे ना आप लोग अल्लाह से, जिसने भी ये ख़राब कुछ बोला है सबा के बारे में, चीज़ों के बारे में, आप खुद ही अल्लाह से तौबा कर लेना, क्योंकि बेशक हर इंसान को अपना
क्या कहते हैं अपना हिसाब खुद देना है, हमें हमारा कुछ नहीं जाएगा, तो आप अपना आप देख लीजिएगा, अल्लाह को अल्लाह से माफी मांग लीजिएगा, तौबा कर लीजिएगा, और आइंदा ध्यान में रखना कि कभी किसी भी इंसान को जज मत करो आप, जब तक आप उन्हें जानते नहीं होंगे क्या हो रहा है तो आप क्यों जज कर रहे हो। एक सबक नहीं, किसी को भी बुरा मत बोलना, किसी को भी बगैर देखे बगैर सुने। चलो खैर, इतना अगर लोगों में समझ आ जाए तो फिर बात ही क्या है, है कि नहीं। चलो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आप करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं से मतलब ये होता है समझे ना, ये नहीं क्या कुछ भी, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उसका वक्त बताइए, हंसी मजाक कीजिए, और सबको दुआओं में याद रखिए, और लोगों को जज करना बंद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।